हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग नॉलेज विद आकाश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूं कि हम लोग इस तरीके से ग्रो बैग में या किसी भी पॉट में मूली को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मूली लगाई हुई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस पर काफ़ी सारी मूली मैंने लगाई थी, सीड से ग्रो किया था, यानी बीज से ग्रो किया था। आगे वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि कैसे 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 हम लोगों को मूली लगानी, क्या क्या करना, पूरी डिटेल बताई। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, एक मैंने मूली अलग से लगाई हुई थी, वो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, अलग ग्रो बैग में एक छोटी सी लगी हुई थी। ये देखिए, लाल वाली मूली हम लोगों ने लगाई थी, काफ़ी हैवी ग्रो बैग है। और इसमें देखिए छोटे छोटे शिमला मिर्च भी लगे हुए हैं, और ये मूली देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है इसमें। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि मूली को हम लोगों को किस तरीके से ग्रो करना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोगों के चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को सीड्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि वेजिटेबल को पॉट में ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट उसके सीड्स होते हैं। हम लोग को हमेशा अच्छी वैरायटी के मार्केट से सीड लेने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने अच्छी वैरायटी का मार्केट से सीड लिया था। ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स हैं। हाइब्रिड वैरायटी ऐसी होती है उसमें डिजीज़ कम लगती है, यानी हम लोग के वेजिटेबल्स में बीमारियां कम लगती है। उसके जो प्लांट ग्रोथ है काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो आप जब भी वेजिटेबल को ग्रो करें तो हमेशा अच्छी वैरायटी का सीड लीजिएगा। मैं आप लोग दिखाऊँ कुछ, ये मूली के बीज इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये मूली के बीज कुछ इस तरीके से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इसको ग्रो करने से पहले रात भर पानी में फुलाना पड़ता है, तो मैंने रात भर पानी में फूलने के लिए सीड्स रख दिए थे। आप देख रहे होंगे इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये हल्के हल्के से स्प्राउटिंग में करने लगे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बीज होते हैं। ये हम लोग की लाल मूली के बीज हैं। आप कोई भी मूली ग्रो कर सकते हैं, आप लाल मूली या सफ़ेद मूली दोनों में से किसी के भी सीड्स ले सकते हैं। तो ये तो रही सीड्स की बात, तो चलिए आगे मैं आप लोग बताऊँ हम लोग मूली को ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। इसमें हम लोगों ने कंपोस्ट 30% इस्तेमाल करी और सैंड और ये कोकोपीट आधी आधी ली है। इसमें हम लोगों ने मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, पूरी तरह सैंड और कोकोपीट पे ग्रो करेंगे हम लोग अपनी मूली को। आप लोग चाहें तो कोकोपीट की जगह मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उसमें सैंड ज़रूर मिलाएगा, क्योंकि मूली नीचे साइड मिट्टी में ग्रो करती है तो उसको एकदम सॉफ्ट मीडिया चाहिए होता है ताकि वो आसानी से नीचे चली जाए। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आपस में मिलाना, हम लोगों ने ये रेशियो में सारी चीज़ें ली हैं। तो ये देखिए, मैंने अपना ये बैग तैयार कर लिया है। हम लोग अपनी मूली को इस तरीके से ग्रो बैग में ग्रो करने वाले हैं। ये हम लोगों का 14 इंच का ग्रो बैग है। इसमें हम लोगों ने सेम रेशियो में सारी चीज़ें मिला के बिल्कुल अच्छे से फिल कर ली हैं। अब हम लोगों को करना है कि इसके ऊपर हम लोगों को सीड्स को एकदम अच्छे से स्प्रिंकल करना होगा। फिर उसमें हम लोगों को लगभग 3-3 इंच की दूरी पर सारे प्लांट्स को हटाना होगा। आप चाहें तो इस तरीके, जैसे मैंने बीज लिया और इनको आप इस तरीके छींट सकते हैं, नहीं तो आप 3-3 इंच की दूरी में बीज डाल सकते हैं ताकि इसमें बहुत ज़्यादा क्राउडी ना हो, यानी एक जगह पे बहुत सारे पौधे ना हो। अगर एक जगह पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो हम लोग का एक भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, एक भी मूली हम लोग की अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। मान लीजिए यहाँ मैं सेंटर पर 2 सीड लगाता हूँ। हम लोग 2 सीड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए एक बीज हम लोग का ख़राब हो जाए तो दूसरे वाले सीड से हम लोगों का प्लांट ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर एक सीड लगाएंगे, फिर 3 इंच दूर यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस तरीके से चारों तरफ हम लोग को इसमें सीड लगाना होगा। मैं आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैंने 2 बीज ले लिए, एक हम लोगों को बगल ही बगल रखने, एक बीज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, एक बीज इसके बगल में मैं रखूँगा। इसमें से जब प्लांट ग्रो होगा, जौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा उस प्लांट को मैं रखूँगा और दूसरे वाले को मैं कट करके हटा दूँगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को चारों तरफ बीज लगा लेने, मैं जल्दी से लगा लेता हूँ फिर आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने सारे सीड्स को बिल्कुल अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया। दूर दूर मैंने सारे सीड बिखेरे हैं और देख रहे होंगे एक साथ 2-2 मैंने बीज बिखेरे हैं। जब ये दोनों बीज ग्रो कर जाएंगे तो उसमें से एक हेल्दी प्लांट रखूंगा, दूसरा प्लांट मैं कट करके हटा दूंगा। अब हम लोग को करना है कि ऊपर से एक हल्की सी इसके ऊपर लेयर करनी होगी। मैं कोकोपीट और सिर्फ सैंड की लेयर कर रहा हूँ इसके ऊपर से। ये देखिए, मैंने कोकोपीट और सैंड को आपस में बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। बस हल्के हाथों से हम लोगों को ऊपर से इस तरीके से लेयर कर देनी ताकि हम लोग के सीड एयर में ना रहे और हम लोग के सीड ड्राई ना हो जाए। तो बस इस तरीके से एक हल्की सी लेयर करनी और हम लोगों का मूली का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लग जाएगा। तो मैं जल्दी से लेयर कर देता हूँ इसके ऊपर से। तो इस तरीके से ऊपर से मैंने इसको सैंड से कवर कर दिया, सैंड और कोकोपीट की लेयर करी मैंने इसके ऊपर से। अब मैं इसको स्प्रे की मदद से पानी दूंगा। अभी इसको मैं डायरेक्ट बिल्कुल पानी नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग की सीड डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट इसको पानी दे देता हूँ। तो बस अब मैं इसको वाटरिंग करूंगा और इसको ऐसी जगह पर रखूंगा जहाँ इसको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था, मैं सारे अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा, एकदम हार्वेस्टिंग तक मैं इसका अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं हम लोग की सीड कितने दिन में जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हम लोग का 10 दिन बाद का अपडेट है। हम लोग के जो मूली के सीड्स लगाए थे, यानी मूली के बीज लगाए थे, सभी बीज हम लोग के ग्रो कर गए। लगभग जितने भी बीज हम लोगों ने लगाए थे सभी बीज ग्रो कर गए हैं। और कुछ में देखिए छोटे छोटे से न्यू ट्यूलिप्स निकलने लगे, यानी जो मूली के पत्ते होते हैं वो पत्ते निकलने भी लगे हैं। लगभग सभी में छोटे छोटे से मूली के पत्ते निकलने लगे हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है कि जो आपस में दो दो सीड हम लोगों ने लगाए थे उसमें से जो हेल्दी वाला प्लांट है उसको रहन देना, बाकी जो दूसरा प्लांट है उसको कट करके हटा देना। जैसे कि मैं आप लोग दिखाऊं, मान लीजिए ये वाला जो पौधा है उसके बगल में ये वाला पौधा है। आप देख रहे होंगे ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये वाला थोड़ा सा स्लो ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोगों को ये वाले पौधे को कट करके हटा देना। इस तरीके से हम लोगों को इसको लेना और इस तरीके से कट करके हटा देना इसको यहाँ से। तो इसी तरीके से जो साइड में हम लोग के जैसे मेन वाली जो सीडलिंग होगी उसके बगल में जो छोटे छोटे से पौधे ग्रो कर रहे हैं, यानी जो इसके साइड में दूसरा पौधा ग्रो कर रहा है, हेल्दी वाले को छोड़ के हम लोगों को सारे दूसरे वाले पौधे कट करके हटा देने। तो चलिए जल्दी से मैं सारे इसमें से पौधे कट कर देता हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए, इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा प्लांट है वो सारे प्लांट हटा दिए। अब जितने भी इसमें मूली के पौधे सब दूर दूर हैं, पास में कोई भी नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये प्लांट मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। अब जो मूली हम लोग की ग्रो करेगी वो नीचे बहुत ही आसानी से ग्रो करेगी, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। अगर हम लोग इस तरीके से इसमें प्लांट ना निकालते तो बहुत ज़्यादा क्राउडी हो जाती, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे हो जाते, तो फिर एक भी मूली अच्छे से तैयार ना हो पाती। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग की मूली एकदम अच्छे से ग्रो करने लगेगी। तो अभी हम लोगों को इसमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हम लोग के पत्ते को काफ़ी अच्छे से बड़े हो जाने देना, यानी हम लोग की मूली काफ़ी अच्छे से बड़ी हो जाए, उसके बाद इसमें हम लोग एडिशनल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो बस अभी इसको इसी तरीके से बिल्कुल ग्रो होने दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं आप लोगों को 50 दिन के बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। हम लोग की मूली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गई थी और ये देखिए इसमें फ्लावर भी बनने लगा है, यानी अब हम लोग की मूली को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हम लोगों ने जो पौधे लगाए थे वो थोड़े से ज़्यादा घने हो गए, इस वजह से हम लोगों ने जो इसकी मूली है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो पाई। और ये देखिए, ये साइड में एक मूली और लगी हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउडी नहीं करना है, यानी एक जगह पे बहुत सारे पौधे नहीं करने, नहीं तो हम लोग की एक भी मूली अच्छे से मोटी नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों को और पास से दिखाता हूँ, देखिए हम लोग की मूली में डिफरेंस आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैंने कैमरे को पास कर दिया, यहाँ पर आप देखिए ये मूली हम लोग की जो लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं हो पाई, पतली पतली सी मूली है, बहुत मोटी नहीं हो पाई। सभी मूली इसी तरीके से हैं, बहुत मोटी कोई भी बहुत मोटी नहीं हो पाई। जैसे हम लोग की ये वाली जो मूली लगी है शिमला मिर्च वाले गमले में लगी थी, ये देखिए शिमला मिर्च लगी हुई है। इसमें देखिए एक मूली ये लगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोटी, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रो कर रही है, देखिए काफ़ी अच्छे से। मैं इसको आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने मूली निकाली, काफ़ी अच्छी काफ़ी हेल्दी हम लोग की ये मूली ग्रो करी है। और इसमें से अगर हम लोग कोई मूली निकालते तो वो देखिए अभी पतली पतली सी है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाली देखिए काफ़ी पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा भी रहन दूंगा, लेकिन इसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, क्योंकि देखिए इसमें फूल आने लगे। मूली के पौधे में फूल आने लगते तो इसका मतलब है कि मूली उसमें से हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो सारी एनर्जी फिर नीचे मूली जड़ में नहीं लगा के इन्हें फूल में बड़ा करने में लगाने लगेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों को मूली को कंटेनर में ग्रो करना है। जैसे ऐसे मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग ग्रो करेगा, आप लोग की भी इतनी अच्छी मूली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो के लिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।